चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगरबत्ती व्यापारी के लूट का पर्दाफाश, सरगना सहित 5 गिरफ्तार। उदयपुर जिले की 10 से अधिक वारदातों का भी खुलासा। सराडा शनिवार देर रात मार्केटिंग कर घर लौट रहे अगरबत्ती के व्यापारी के साथ मारपीट कर सोने की चेन, अंगूठी सहित हजारों की नकदी लूटने वाली शातिर गैंग 5 सदस्यों को सराडा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गत 15 जुलाई को जैसमंद निवासी अगरबत्ती एवं अन्य सामान के व्यापारी कमलकांत पुत्र गोपीलाल जैन सराडा क्षेत्र में माल की सप्लाई कर वापस घर लौट रहा था कि झाड़ोल जैसमंद मार्ग पर पहाड़ी घाटी में कार सवार सवार करीब 4 से 5 बदमाशों ने व्यापारी व उसके हेल्पर के साथ धारदार हथियार दिखाते हुए मारपीट की और गले से सोने की चैन, अंगूठी, उसका मोबाइल, आवश्यक कागजात रखा बैग के साथ करीब 45 से 50 हजार रुपए की नकदी लूट ले गए व्यापारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराधियों की तलाश में स्थानांतरित होकर आए नए थानाधिकारी दलपत सिंह के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की तकनीकी सहयोग। मुखबिर 7 शंकास्पद लोगों पर पुलिस द्वारा रखी नजर के दौरान जैसमंद कस्बे के ही रहने वाले एक युवक रतनलाल पुत्र बंशीलाल चौबीसा की भूमिका संदिग्ध लगी। उसकी हरकतों और संदिग्ध भूमिका के पुख्ता होने व साक्ष्य मिलने पर डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने व्यापारी की रेकी करने और जानकारी अपने साथियों को उपलब्ध तथा उनके साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के बताए आधार अन्य आरोपियों हर्षित सिंह पुत्र रतन सिंह शक्तावत निवासी करेरिया थाना भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ हाल गारियावास उदयपुर, विजय सिंह उर्फ जब्बर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह सिसोदिया निवासी आवरी माता कच्ची बस्ती थाना हिरणमगरी उदयपुर, प्रेम सालवी पुत्र पन्नालाल सालवी निवासी चिबोड़ा थाना गिंगला, नीरज सैन उर्फ सल्लू पुत्र प्रेमलाल सैन निवासी गुपड़ी थाना डबो को गिरफ्तार किया गया। सख्ती से पूछताछ में आरोपियों की निशादेही से घटना के दौरान काम में ली गई मारुति 800 कार को बरामद किया। बदमाशों ने इस कार को मावली थाना क्षेत्र से चोरी किया था, जिसका मावली थाने में प्रकरण दर्ज है। गिरफ्तार युवकों कुछ तो अपराधी किस्म के हैं, जिन्होंने पूछताछ में इस वारदात के अलावा उदयपुर जिले में चोरी व लूट की 11 अन्य वारदातें करना भी स्वीकार किया है।